इस रूप ध्यान कार्यक्रम के अंतर्गत आपको यह बताया जाएगा कि ध्यान में आपको अपने मन से किस वस्तु का चित्रण करना है। इस ध्यान के पूरे समय में कृपया अपनी आंखें बंद रखें और निर्देशित शब्दों के अनुसार अपने मन से चित्रण करें एवं भाव बनाएं। रूप ध्यान में हमारे ध्यान का मुख्य केंद्र भगवान होंगे। यह ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने का और हमारे मन एवं हृदय को शुद्ध करने का एक उत्कृष्ट साधन है। जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा मन दैवीय गुणों से समृद्ध होता जाएगा। फलस्वरूप ध्यान करने में हमारी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इस ध्यान कार्यक्रम में आपको श्री राधा कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, लीला, गुण और धाम के रूप का चित्रण करने का मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपनी रुचि के अनुसार श्री राधा कृष्ण या भगवान के किसी भी अन्य रूप जैसे श्री सीताराम, शिव पार्वती इत्यादि का ध्यान कर सकते हैं। रूप ध्यान निर्देश। कृपया पद्मासन अथवा सुखासन अथवा किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। पीठ और गर्दन को सीधा रखें। सुखासन में बैठने के लिए आप कुशन की मदद ले सकते हैं। अगर आपको घुटने की कोई समस्या है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। सुविधा अनुसार चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा धारण कर अपने हाथों को अपने घुटनों पर या अपनी गोद में रखें। ध्यान दें कि आपकी कोहनी और कंधों में कोई तनाव न हो। ध्यान के पूरे समय कृपया अपने नेत्रों को बंद ही रखें। यदि ध्यान करते समय आपका मन भटकता है तो घबराएं नहीं, अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने का प्रयास करें और मन को पुनः निर्देशित शब्दों और वाक्यों पर केंद्रित करें। यदि आपका मन इन प्रयासों के पश्चात भी विचलित हो तो जहां भी आपका मन जाए वहीं पर श्री राधा कृष्ण को खड़ा कर दें या अपने रुचि अनुसार भगवान के किसी भी रूप को देखें। रूप ध्यान करने से पूर्व हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम आप
किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठ जाएं। श्वास अंदर लेते समय आप राधे नाम का स्मरण करेंगे और श्वास छोड़ते समय आप कृष्ण नाम का स्मरण करेंगे। अब हम जय राधे प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। श्वास को अंदर लेते समय पेट को फुलाएं, वक्ष स्थल और कंधों को फैलाएं। श्वास छोड़ते समय अपने कंधों को और वक्ष स्थल को शिथिल करेंगे। आपका पेट भीतर जाएगा। अनुभव करें कि श्वास लेने पर उदर बाहर की ओर उठता है और श्वास छोड़ते समय अंदर की ओर जाता है। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहें। नासिका से आती जाती श्वास के प्रवाह का अनुभव करें। श्वास लेते हुए राधे और श्वास छोड़ते हुए कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, इस प्रकार 5 बार श्वास को अंदर बाहर करते हुए हम इस प्राणायाम को समाप्त करेंगे।
तो सब लोग अपने पीठ सीधी करके बैठिए। हाथों को या तो गोद में रखिए अथवा घुटनों पर रखिए। आंखों को बंद कीजिए एवं बंद ही रखिए। अपने मन को रिलैक्स कीजिए। शरीर को रिलैक्स कीजिए। कुछ गहरे श्वास लीजिए। संकल्प कीजिए कि मन को केंद्रित रखेंगे। मन की आंख से देखिए। आप श्वास अंदर करते हैं, आपकी छाती आपका पेट बाहर फूलते हैं। आप छाती पेट को अंदर खींचते हैं, श्वास बाहर आता है। ये श्वास प्रश्वास के साथ आपके शरीर का तालमेल है। इसे मन की आंख से देखिए। जो आपकी श्वास नलिका है उसके प्रति सजग हो जाइए। सोचिए श्वास नलिका सफेद रंग की है। आपके नासिका से लेके फेफड़ों तक अभी उसी का रूप ध्यान कीजिए। आपकी श्वास नलिका नासिका से फेफड़ों तक है। आप जब श्वास अंदर करते हैं नासिका से वायु अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े भर जाते हैं। आप जब छाती को अंदर खींचते हैं सफेद नलिका से वायु बाहर जा रही है। श्वास नलिका के माध्यम से श्वास प्रश्वास हो रहा है, ऐसा ध्यान कीजिए। नलिका का ध्यान हो
वायु के गति का ध्यान हो। मन जहां भटके उसको वापस लाइए। जितनी बार भटके उसको वापस लाइए। आपकी श्वास नलिका सफेद रंग की, जब श्वास अंदर भरते हैं नासिका से श्वास अंदर प्रवेश करके फेफड़ों में भर जाता है। जब फेफड़े खाली करते हैं तो श्वास नलिका से ऊपर उठ के बाहर वायुमंडल में आता है। ये छवि मन की आंख से देखिए। छवि को अपने मन में और गहरा प्रगाढ़ कीजिए। अब एक और तत्व अपने ध्यान में जोड़िए। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो राधे नाम अंदर प्रवाहित होता है। राधे, नासिका से नाभि की ओर। जब आप श्वास बाहर करते हैं तो श्याम नाम ऊपर उठता है। नाभि से नासिका की ओर एवं बाहर जाता है। राधे श्याम नीचे आ रहा है। श्याम नाम ऊपर जा रहा है। भगवान नाम आपके श्वास प्रश्वास के साथ प्रवाहित हो रहा है। चंचल मन को केंद्रित करते जाएं। बार बार वापस श्वास नलिका पे लाएं, श्वास प्रश्वास पर लाएं और श्वास प्रश्वास के साथ भगवान नाम के प्रवाह को देखें। अब श्वास नलिका को भुला दें। वो गल के गायब हो गई, खत्म हो गई। केवल श्वास प्रश्वास को देखें।
आपके शरीर में श्वास प्रश्वास की गति नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक श्वास प्रश्वास भगवन नाम से युक्त। राधे श्याम। प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने नाम में मेरी श्रद्धा बनाए। आप नाम में बैठे हैं मुझे अनुभूति कराए। मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराएं अपने ही नाम में। गुरु का वाक्य अवश्य सही है, आप नाम में उपस्थित हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मुझे ध्यान में सफलता दे। अब एक और तत्व को जोड़िए ध्यान में। सोचिए कि जो नाम रूपी ध्वनि आ रही है उसमें भगवान विद्यमान है। भगवत सत्ता से युक्त आपका श्वास प्रश्वास, जैसे आप नाम स्मरण करते हैं राधे, राधा सत्ता का आह्वान करते हैं। जैसे आप नाम स्मरण करते हैं श्याम, आप कृष्ण सत्ता का आह्वान करते हैं। आपका मन आपका व्यक्तित्व भगवान के संपर्क में है। ए मेरे मन, तुझे यहां पर ही रहना है। श्वास प्रश्वास में भगवान का चमत्कार घटित हो रहा है, मुझे उसको अनुभव करना है। राधे, श्वास नासिका से नाभि तक प्रवाहित होता है। कृष्ण श्वास युक्त नाभि से नासिका तक। अब वो नियमित गति हो रही है। मन की आदत पड़ रही है,
राधे श्याम। बार बार चंचल मन को वहीं पर लाइए अनुभूति को प्रगाढ़ कर दीजिए। भगवान नाम में है कैसे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। हे प्रभु आप अपना अनुभव कराइए। मुझे कुछ अनुभूति हुई है और गहरा अनुभव कराइए। अब राधा कृष्ण की युगल छवि को अपने सामने ले आई। और सोचिए हम उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि उनका नाम स्मरण रूपी यज्ञ कर रहे। यानी आप भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका नाम जप करें। इसको अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति बनाएं। युगल स्वरूप के चरणों में अर्पित करें। हे युगल सरकार मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए। निष्काम भाव से आपकी प्रसन्नता के लिए आपका नाम स्मरण कर रहा। सोचिए आपके गुरु प्रसन्न होकर आपके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दे रहे। हरि गुरु के वरद हस्त आशीर्वाद को पाकर विभोर हुई। आनंद सिंधु में मन को लीन करते हुए आनंदित हुई। आपकी कृपा है हे गुरुदेव हे युगल सरकार कि मुझसे आपका स्मरण हुआ।
यहीं पर ध्यान को आज के लिए पूरा करें, अपने हथेलियों को मलिए। हथेलियों को आंखों पर रखिए। आंखों को शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। मन को रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए। शरीर को रिलैक्स कीजिए। आंखों को उंगलियों से हल्के से मलते हुए कुछ झपकियों के साथ खोल दीजिए।